एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थीगण का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आज मैट्रिक के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा और मेरा पूरा प्रयास है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने के मिले। इस कोरोना महामारी की वजह से सभी संस्था बंद हो जाने के कारण आप लोगों की कोई भी माध्यम से पढ़ाई रुकी हुई है या बाधित हुई है, उसी को देखते हुए एसएससी के टीमों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यूट्यूब के चैनल से आप लोगों को कुछ ना कुछ यहां से शिक्षा प्रदान की जाए ताकि आपका भविष्य अच्छा से सजे संवरे और आपका जो पढ़ाई है वह सुचारू रूप से चल सके। आइए हम लोग अब त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानते हैं। यह ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक में अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए या पास कराने के लिए अहम भूमिका निभाती है। इससे एग्जाम में कम से कम 17 या 18 या 19 या 20 के लगभग क्वेश्चन रहते हैं। इतने मार्क्स के लगभग 17, 18, 19, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा जहां तक उम्मीद है कि अगर आप त्रिकोणमिति पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व इसके इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाने। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है भुजा। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को देखें तो इसका नामकरण कर दिया जाए ए बी सी। यह जो है वह कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। इसमें देखिए इसमें तीन कोण है, यह और ये, और यह जो है वह भुजा। देखा जाए तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीन कोण हुए। भुजा ए से बी तक की दूरी भुजा हुई, फिर बी से सी तक की दूरी और फिर सी से ए की दूरी या ए से सी की दूरी, ये भी भुजा हुआ। यानी तीन कोण तीन भुजा। ध्यान से देखी जाए तो ये शीर्ष है और शीर्ष भी कितना है, शीर्ष भी तीन है। तो शीर्ष हम कह सकते हैं ए बी सी, ये भी तीन। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिभुज तो कई प्रकार के हैं लेकिन हम लोग को त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज पे विशेष फोकस देना है। समकोण त्रिभुज सम का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। या किसी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है और बाकी दोनों कोणों का योग जो है वह 90 डिग्री का होता है। यानी यह कोण और यह कोणों का योग जो है वह दोनों मिलकर 90 होता है और यह बी जो है वह 90 होता है। यह बी जो है वह समकोण त्रिभुज है, बाकी दोनों कोण जो है वह न्यून कोण है। या एक तरीका और है इससे पहचानने के लिए, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसकी भुजा भी सबसे बड़ी होती है और जो कोण छोटा होता है उसकी भुजा भी छोटी होती है। तो इससे ही पहचाना जा सकता है कि जिसकी भुजा लंबी होती है यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है
और जो सबसे छोटा भुजा होता है वो आधार होता है। तो इसमें हम देखें ध्यान से, तो यह 90 डिग्री का कोण है और बाकी ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इससे दोनों से कम है, तो ये जब 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाला भुजा जो है वह एसी है, यानी कोण बी के सामने वाला भुजा एसी है, इसके सामने की भुजा एसी होगा। फिर कोण ए के सामने के भुजा जो है वह बीसी होगा, यानी कोण ए के सामने के भुजा बीसी, और कोण सी के सामने के भुजा, कोण सी के सामने के भुजा जो है वह एबी होगा। ध्यान से देखें, कोण ए जो है वह बीसी को इंडिकेट करता है और कोण बी जो है वह एसी को इंडिकेट करता है और कोण सी जो है वह एबी को इंडिकेट करता है। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम इसमें जानें कि कौन कौन है, आधार कौन है और लंब किसको कहेंगे। तो अभी इसके पहले बताए हैं कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने को जो भुजा होती है वो भी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ा कोण 90 है और इसके सामने की भुजा एसी है, तो एसी जो होगा कर्ण होगा, यानी कि एच हाइपोटेन्यूज, जिसका हिंदी होगा कर्ण। और जो सबसे छोटी भुजा होगा वो आधार होगा, बी बेस आधार, और बचा जो है वह लंब, यानी कि जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको लंब कहेंगे। हम लोग को पता है कि सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और पाइथागोरस के विषय बारे में हम लोग को त्रिभुज में बहुत ज़्यादा पढ़ना है डीपली। यहाँ हम लोग सिर्फ यही देखें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको याद करना संभव नहीं है, तो हमको इसको छोटा कर लिया जाए इंग्लिश में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण निकालना होगा तो यह स्क्वायर जो है इधर आके रूट हो जाएगा, तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमें पी निकालना होगा। अगर पी स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ इज इक्वल टू से अगर इधर आए या इधर से इधर लाना हो, माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, और इधर गुना होगा तो इधर आके भाग हो जाएगा, इधर भाग होगा तो इधर आके गुना हो जाएगा। तो पी स्क्वायर यानी लंब बराबर ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ पी निकालना होगा तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बी निकालना होगा तो बी स्क्वायर बराबर फिर ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। केवल बी निकालना होगा फिर स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आइए हम लोग अब जांचते हैं इसमें किसको पी, किसको बी और किसको एच बोलेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहेंगे और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसको आधार कहेंगे, और बचे हुए बच्चे का जो वह लंब होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। इसमें हम जांचें कि कौन पी है, कौन बी है और कौन एच है। तो एच जानने के लिए जैसा मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वह 5 है और सबसे छोटी भुजा 3 मीटर, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगा और जो सबसे छोटा भुजा होगा वो आधार होगा। बचा हुआ 4 मीटर, यानी जो बच गया वो लंब हो गया। अब इसको हमें जांचना है कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो मैंने अभी आप लोग को एक सूत्र लिखवाया
कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर वर्क करेंगे तो 25, 4 चौका 16 और 3 तीन का 9, जोड़े 25 और 16 और 9 25, यानी दोनों बराबर आ गए। ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हम लोग को जांचना है कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो अभी आपको बताए हैं कि किस तरह इसको जांचना है। जांचने का तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर और जो सबसे छोटा भुजा है वो 5 सेंटीमीटर और बच गया 16 लंब, यानी कि 5 जो है वह लंब हो जाएगा। तो इसकी जांच करेंगे एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इंग्लिश में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इंग्लिश को बोलना और आसान है और हिंदी को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 144 और प्लस 25, 169 और 144 और प्लस 25, 169। देखिए दोनों बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आते तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होते। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर ये तीनों भुजा दिया हुआ है। हमें जांचना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। मैंने बताया अभी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा जो है वह है 8 मीटर और सबसे छोटा भुजा जो होगा वो 5 मीटर होगा और बचेगा पी, यानी कि पी बच जाएगा 6 मीटर। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगा, जो सबसे छोटा भुजा होगा वो आधार होगा, बचेगा वो लंब हो जाएगा। इसकी जांच करने के लिए समकोण अभी बताया गया पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया है 8 का स्क्वायर बराबर पी का मान दिया है 6 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 5 का स्क्वायर। तो 8×64 बराबर 6×136 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको जोड़े 64, 6×5 11, हाथ में 1 3 2 5 1 6, ये 64 हुआ और यह 61 हुआ। देखा जाए ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ऐसे इसकी जांच हम लोग करते हैं कि कौन समकोण त्रिभुज है और कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार जांचना है कि कोई समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो उसमें वर्ग को याद रखना है, स्क्वायर रूट याद करना बहुत ज़रूरी है, वर्ग और वर्गमूल को। कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक याद रखना होगा, कि पूरा जुबानी याद होनी चाहिए। जैसे ही हम बोलें 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, इस तरह याद होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर कहीं याद नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से उसको आसानी से गुना करेंगे। जैसे में देखा जाए, जैसे 15 का स्क्वायर कर, तो हमें याद है कि 15 का स्क्वायर 225 होगा, लेकिन जिन व्यक्ति को याद नहीं है कि 15 का वर्ग 225, तो क्या करेंगे, अलग इधर 15 में 15 से गुना करेंगे, 25 75 फिर 5 2
225। इस तरह लंबा चौड़ा गुना करेंगे। वो लंबा चौड़ा गुना आपको नहीं करना है, मैं आप लोग को एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जिसके चलते आपकी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे आप लोग देख रहे हो कि कंपटीशन की बहुत ज़्यादा जब आना है और उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आप लोग को आंसर नहीं लाना है, रिजल्ट लाना है। ये कोशिश करना है कि हमारा रिजल्ट आए, ऐसा नहीं आप लंबा चौड़ा इस माध्यम से जाइएगा तो आंसर तो आएगा लेकिन रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना है आंसर भी आए और रिजल्ट भी आए। तो 15 में 15 से गुना करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। इसमें पहले गुना करना है, इसमें 5 में 5 से गुना करना है, तो 5 25 हाथ में बचा दो। फिर बचे हुए को क्या करना है, इसमें इससे गुना करना है तिरछा तिरछी, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और फिर इसमें इससे गुना करेंगे 5। अब जो बचा हुआ इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 का ये वाला 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर हाथ में 1, और फिर इसको इससे गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 का 1 जो बचा है वो 225। जैसे 23 का वर्ग है तो 23 का वर्ग कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करना है 23 में 23 से गुना करना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ इसमें इससे गुना करना है, 3 में 3 से गुना करना है, 3 तीर का 9, फिर इसमें गुना करना है स्क्वायर रूट, फिर 3 में 3 में इससे गुना करना है, 3 दूनी 6, ये तिरछा तिरछी गुना करना, फिर 3 दूनी 6। अब जो बचा गुना करने के बाद उसको जोड़ देंगे 6 6 12, तो ये 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर शेषफल हाथ में 1 बचेगा, और फिर इसमें इससे गुना करना है 2 में 2 से, 2 दूनी 4, 1 जो बचा है वो 500। ये देखिए 95 का वर्ग करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। तो इसका एक और तरीका है, ये 95 और गुना 95, हमको ये चीज़ देखना है कि ये 100 के आसपास है, तो 100 से ये कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो जो कम है उसको गुना करना है, इसमें गुना करना है, 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25, तो 100 से कम है इसका मतलब है या तो 95 में इस 95 में 5 कम करें या इस 95 में इस 5 कम करें, किसी भी एक को कम कर देना है। 95 में 5 कम करेंगे तो 90 आएगा, इस 95 में 5 से गुना करेंगे तब भी 90 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको लंबा चौड़ा गुना करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे 99 का वर्ग करना हो तो गुना करेंगे 99 गुना 99, ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है, ये 100 से एक कम है। देखिए 100 में डबल डिजिट रहता है, इसलिए यहाँ जो अंक लिखेंगे वो डबल लिखेंगे, ये भी 100 में कम है एक, तो 0 एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 हम इसके साथ लिखेंगे क्योंकि 100 के साथ डबल डिजिट रहता है। और इसमें से एक कम कीजिए या इसमें से एक कम कर दीजिए, 98 होगा, यही मेरा आंसर होगा। इसका दूसरा भी तरीका हम लोग देख लें, 99 में अगर 99 से गुना करना है तो ये 99 के बदले हम केवल लिखेंगे 1, ये 99 के बदले ये जब बाकी जो बचेगा उसके बदले 0, इस 99 के बदले 8, और ये बाकी 9 का 9 उतार देंगे, ये भी आंसर। ये सब हम लोग जितने भी चीज़ देख रहे थे वो बेसिक चीज़ देख रहे थे, अगले वीडियो में हम लोग इससे बेहतर तरीके से आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को और समझेंगे।